पाकिस्तानियों, ये क्या हो गया? आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में कि ये क्या हो गया? तो ये मोदी का क्योंकि दौरा है और इसी बीच रूस ने लिया है बड़ा फैसला। रूस के सदर के हवाले से नई खबर आपको दें, व्लादिमीर पुतिन ने तस्दीक की, आज यूक्रेन पर कोई हमला नहीं करेगा रूस, आज यूक्रेन पर मिसाइल अटैक नहीं किया जाएगा। मोदी साहब आज अब से कुछ देर पहले इस ट्रेन पर पहुंचे हैं कीव, और ये एक बोल्ड स्टेप कहा जा रहा है कि इस सिचुएशन में भी उन्होंने ट्रेन में सफर किया। ये रूस की तरफ से फैसला लिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए। दुनिया का एक लीडर इस वक्त नजर आ रहा है जो पूरी दुनिया का विजिट कर रहा है, और मैसेज उसका है पीस, ह्यूमैनिटी, कंपैशन का। इस वक्त मैं बता रहा हूं, आपके साथ अमेरिका बात भी नहीं करेगा भारत की मदद के बगैर, क्योंकि वो बिल्कुल इस वक्त रिलाय कर रहे हैं कि इंडिया उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा सब कॉन्टिनेंट के। कहा जा रहा है कि मोदी एज ए पीस मेकर, मोदी को ए पीस मेकर कहा जा रहा है कि वो इस वक्त जिस विजिट पर पहुंचे हैं यहाँ पर, इससे पहले जब वो पोलैंड में थे तो पोलैंड में उन्होंने वहां पर भी जंग नहीं होनी चाहिए इसकी बात की है, तो ऑब्वियसली कि वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बात करेंगे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब पहुंच चुके हैं कीव यूक्रेन, और कीव में वो पहुंचे हैं वाया ट्रेन, और नरेंद्र मोदी साहब के इस ट्रैवल को एक बोल्ड स्टेप कहा जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि जंग लगी हुई है यूक्रेन और रशिया के बीच, लेकिन उन्होंने ये ट्रैवल यानी पोलैंड से कीव यूक्रेन तक का ट्रैवल ट्रेन पर किया है, वाया ट्रेन, फोर्स वन ट्रेन इसको कहा जाता है। मोदी साहब आज अब से कुछ देर पहले इस ट्रेन पर पहुंचे हैं कीव, और ये एक बोल्ड स्टेप कहा जा रहा है कि इस सिचुएशन में भी उन्होंने ट्रेन में सफर किया, लेकिन जब वो पहुंचे कीव तो इंडियन डायस्पोरा बड़ी तादाद में मौजूद था वहां पर, और इंडियन डायस्पोरा ने बहुत ज्यादा जोश के साथ अपने प्राइम मिनिस्टर यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को वेलकम किया है वहां पर, और वहां पर इंडियन डायस्पोरा चांटिंग भारत माता की जय और मोदी मोदी मोदी। पाकिस्तानियों, ये क्या हो गया? आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में कि ये क्या हो गया? तो देखिए, वो तो हर जगह पर यही करते हैं, मैं आपको बताती हूँ क्यों करते हैं, क्योंकि इंडियंस अपने कंट्री को, भारत को अपनी माँ समझते हैं, वो अपनी इस धरती को, इस प्लेनेट को भी माँ कहते हैं, माता, इसलिए वो कहते हैं भारत माता की जय। आप इसको गलत उसमें या ऐसे मत लिया करें, आप भी कह सकते हैं, अगर आप अपनी जमीन को, अपनी कंट्री को अपनी माँ समझते हैं तो आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा रिवाज नहीं है वहां पर, और वरना आप कह सकते हैं पाकिस्तान माता नहीं तो आप माँ कह सकते हैं पाकिस्तान माँ की जय, या जय नहीं कहना चाहते तो आप कह सकते हैं पाकिस्तान माँ जिंदाबाद। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये रिवाज, ये ट्रेडिशन, ये रूटीन, ये वर्ड्स जो हैं ये इंडिया के हैं, तो इंडियन डायस्पोरा इतना पावरफुल है यूक्रेन के अंदर कीव में, या मुझे नहीं मालूम था, हमने नहीं सोचा था, लेकिन बहुत ज्यादा लोग मिलने आए। आपको जरा पिक्चर्स दिखाते हैं हम जनाब, जब वहां पर लोग पहुंचे हैं तो कैसे उन्होंने इस्तकबाल किया है, ये देखें, देख रहे हैं आप, नरेंद्र मोदी साहब का वेलकम हो रहा है कीव में, इंडियन डायस्पोरा ने उनको हाथों हाथ लिया है मोदी साहब को, और फुल टाइम उनको जो है वो मोदी मोदी के नारे लगते रहे हैं और इंडिया के नारे लगते रहे हैं वहां पर, और मोदी साहब ने बड़े जबरदस्त तरीके से सबसे मुलाकात की है। ये जो विजिट है ये बहुत सिग्निफिकेंट विजिट है, कहा जा रहा है कि मोदी एज ए पीस मेकर, मोदी को ए पीस मेकर कहा जा रहा है कि वो इस वक्त जिस विजिट पर पहुंचे हैं यहाँ पर, इससे पहले जब वो पोलैंड में थे तो पोलैंड में उन्होंने वहां पर भी जंग नहीं होनी चाहिए इसकी बात की है, तो ऑब्वियसली कि वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बात करेंगे कि जंग जो है वो ठीक नहीं है, और इसके लिए पहले से ही कहा जा रहा है कि ऐसे डायलॉग होगा। बहुत कुछ आगे जो उनका विजिट है उसके अंदर तो बहुत कुछ है, लेकिन ये बात आप याद रखिए कि 30 ईयर्स में ये यूक्रेन में कोई पहला प्राइम मिनिस्टर इंडिया का पहुंच रहा है, इसलिए भी ये जो आपको इतना जोश नजर आ रहा है और इतने उससे, वो इसकी वजह ये भी है, इन 30 ईयर्स फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग देयर,
इंडियन प्राइम मिनिस्टर और सिंस न्यू दिल्ली एस्टैब्लिश्ड इट्स डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द सेकंड लार्जेस्ट यूरोपियन कंट्री आफ्टर रशिया. और उन्होंने कहा है कि ये जो विजिट है इंडियन प्राइम मिनिस्टर का किसी का भी ये 30 ईयर्स में क्योंकि पहला है तो इसलिए वहां पर आप देख रहे हैं क्या क्या ट्रेन फोर्स वन से पहले ये जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ पिक्चर्स दिखा रही हूँ मोदी साहब के विजिट की वहां पर और ये जो नारेबाजी हो रही है जो मैंने आपको बताए हैं नारे लग रहे हैं तो देखिए ये ना एक और बात बताता है क्या भला ये बताता है कि उनका डायस्पोरा देख लें तो तुसी अपना डायस्पोरा देख लो वो क्या नारा लगा रहे हैं भारत माता की जय. वहां पे क्या नारा लगता है वहां पे कुत्ता बिल्ली हो रहा होता है कुत्ता कुत्ता बिल्ली बिल्ली आपने नहीं देखा ये फर्क है डायस्पोरा में ये फर्क है जो ओवरसीज जो हैं पाकिस्तानीज क्या हो रहा है आपको पता तो है सारा जो एक पॉलिटिकल क्राइसिस और टर्मोइल है वहां पर उसके रिजल्ट के तौर पर दुनिया में कंट्रीज में क्या हो रहा है मतलब वो तो किसी चीज पर तैयार वो तो जो वहां पर प्रोटेस्ट गालम गलोच और जो कुछ होता रहता है वेस्ट में पाकिस्तानी जो जो कुछ करते रहते हैं इन कंट्रीज के अंदर अपने लीडर्स के हवाले से ठीक है जी और अपने वहां पे जो कुछ भी है उस पे उनका जो से है या जो भी कहना है या जिसको भी वो कहते हैं वो आप देखते हैं तो ये फर्क है ये एक बहुत बड़ा फर्क है फर्क जानकर जियो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए उस तरह यही तो दोनों कंट्रीज के बीच जब कंपैरिजन हम करते हैं यही तो फर्क है जो तरक्की में और जो एक कहां पर है और एक कहां पर है उसमें भी यही फर्क है इसी वजह से ऐसा है. भारत के प्राइम मिनिस्टर बैरियर्स ब्रेक कर रहे हैं और दुनिया का एक लीडर इस वक्त नजर आ रहा है जो पूरी दुनिया का विजिट कर रहा है और मैसेज उसका है पीस ह्यूमैनिटी कंपैशन का. दुनिया में जो इस वक्त जंगें चल रही हैं अगर उन जंगों के खिलाफ वर्बली और प्रैक्टिकली कोई लीडर दुनिया के कंट्रीज के विजिट्स करता हुआ नजर आ रहा है और इस जंग के खिलाफ बात करता हुआ दिखाई देता है तो वो भारत का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है. और नरेंद्र मोदी साहब ये पीस मैसेज और अमन का पैगाम लेकर पोलैंड उतर चुके हैं लैंड कर चुके हैं और पोलैंड वारसा में उन्होंने वहाँ पर ऐसी यादगारें मेमोरियल्स राजा साहब का जो है महाराजा वो भी आपको अभी बताते हैं बहुत पुराना कनेक्शन है इंडिया और पोलैंड की हिस्ट्री लिंक्ड है एक दूसरे के साथ रिलेशन बहुत पुराना है बहुत ज़बरदस्त है. तो वहाँ पर वो गए ट्रिब्यूट पेश किया लेकिन देखें जो अहम बात है वो ये है जो मैंने बात की कि क्या भारत के प्राइम मिनिस्टर को आप समझते हैं कि कोई पीस प्राइज मिलने वाला है. वो इससे पहले रशिया गए और रशिया में भी मोदी साहब ने प्रेसिडेंट पुतिन जो थे उनके सामने क्या कहा उन्होंने कहा कि ये जंग बच्चे जब मरते हैं तो वो फिर अच्छा नहीं लगता दुख होता है. अच्छा उससे पहले वो एक दो साल पहले जब ये जंग शुरू हुई थी यूक्रेन और रशिया के बीच वो ये कह चुके थे कि ये वॉर एरा नहीं है